Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Research Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is intellectual development of the learner. Means अधिगमकर्ता या विद्यार्थी का बौद्धिक विकास. बौद्धिक या आप इसको संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं. तो सारे जितने भी तरीके की डेवलपमेंट है मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, और इससे रिलेटेड सारी बातें जैसे कि कंसेप्ट फॉर्मेशन, मेमोरी एंड ऑल. बट ये एक कंपोजिट, एक होलिस्टिक एक आस्पेक्ट है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर से किस किस आस्पेक्ट के डेवलपमेंट से मतलब है. दैट्स इट. तो इसको क्विकली कवर करेंगे. सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना. हम लोग ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हेडिंग्स के अंतर्गत चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे पियाजे का पढ़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर का पढ़ा है ना. इस तरीके से तो ह्यूमन बिहेवियर को तीन आस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव आस्पेक्ट, जिसका कि मतलब मेंटल डेवलपमेंट से है. फिर इफेक्टिव आस्पेक्ट मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट, एंड कोनेटिव और साइकोमोटर आस्पेक्ट. ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं. जब हम डायमेंशंस पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. ठीक है, इसका मतलब हमारा भावात्मक पक्ष भी डेवलप होना चाहिए, संज्ञानात्मक भी और साइकोमोटर भी. फिलहाल हम यहाँ पे कॉग्निटिव आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव आस्पेक्ट का लेना देना किस किस आयाम के डेवलपमेंट से है. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स का मतलब अगर समझे तो है एक्वायरिंग नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाए, साथ ही साथ आप में समझ और विवेक भी डेवलप हो जाए, तो कहा जा सकता है कि हमारा बौद्धिक विकास हो गया है. जे एस ब्रूनर ने इसको डिफाइन किया है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज दी और एज दी कैपेसिटी टू डील विद सेवरल चॉइसेस एट द सेम टाइम. देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, मतलब कि एक ही समय पर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हों और आपके पास वो क्षमता हो कि आप उससे डील कर सकते हैं, यही बौद्धिक विकास है. मतलब तभी आपको कहा जा सकता है कि आप में बुद्धिमत्ता का विकास हो चुका है, बौद्धिक रूप से आप विकसित हो चुके हैं. अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आस्पेक्ट डेवलप करेंगे, क्योंकि इसका हर पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ किसी ना किसी मामले में. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पहला आस्पेक्ट नो डाउट इंटेलिजेंस, कि अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड पीपल हैं. जैसे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज. इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता क्या है, ये सीखने और ज्ञान को ज्ञान के अनुप्रयोग की योग्यता है. तो इंटेलिजेंस चूंकि इतना हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बारे में और कुछ यहाँ नहीं बताएंगे. इंटेलिजेंस टेस्ट रिवील दैट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज रैपिड इन इन्फेंसी, मॉडरेट इन चाइल्डहुड एंड स्लो इन यूथ. विभिन्न आपके के परिणामों से, परीक्षणों से ये साबित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है कि जो बौद्धिक वृद्धि है वो इन्फेंसी या शैशवावस्था में तेज होती है, आपके बाल्यावस्था में मॉडरेट हो जाती है, और यूथ में ये स्लो हो जाती है वृद्धि, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि वहाँ सेटल डाउन हो जाता है. फिर सेंसेशन टू परसेप्शन, देखिए ये एक नया पॉइंट है, ये आपसे डिस्कस पहले नहीं हुआ है, कि सेंसेशन से जब हम परसेप्शन पे पहुंच जाते हैं तो हम कहा जाएगा कि हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है. जैसे सेंसेशन refers to sensing our environment. Sensation का मतलब कि हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियों से हम सेंस कर रहे हैं, जैसे कि टच, टेस्ट, साइट, साउंड एंड स्मेल, जानते हैं. दिस जब हमने ग्रहण कर लिया, जब हमने ज्ञान इंद्रियों से इसको ग्रहण कर लिया एनवायरनमेंट से, तो ये हमारे मस्तिष्क में जाती है. दिस इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू अवर ब्रेन्स इन रॉ, फ्रॉम वेयर परसेप्शन कम्स इन टू प्ले. जब ये मस्तिष्क में चली गई सूचना, तब परसेप्शन का रोल आता है. परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज द वे वी इंटरप्रेट दीज सेंसेशंस. परसेप्शन वो तरीका है परसीव करना, ना ग्राह्य एक तरीके से करना, कि हम कैसे इन सेंसेशंस को जो हमने ग्रहण किया है ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द है उसको अर्थ कैसे देते हैं, यही परसेप्शन है. मतलब शुरुआत में हमको सेंसेशन है, सेंसेशन कर सकते हैं केवल जैसे जैसे हम इंटेलेक्चुअली डेवलप होते जाते हैं, हम परसीव करने लगते हैं. समझ में आ रही बात? तो ये है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. फ्रॉम सेंसेशन, ये फ्रॉम होना चाहिए था, फ्रॉम सेंसेशन टू परसेप्शन. सेंसेशन बिकम्स ए परसेप्शन व्हेन मीनिंग इज अटैच्ड टू इट. मतलब सेंसेशन ही परसेप्शन बन जाता है जब उसके अंदर अर्थ जुड़ जाता है. तो परसेप्शन का मतलब ऑर्गेनाइजेस एंड रिफाइंस इन एडोलेसेंस. जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो परसेप्शन एक ऑर्गेनाइज और रिफाइन फॉर्म ले लेता है मनुष्य के अंदर. एंड परसेप्शन मेक्स द सिलेक्शन एंड चूजेस द रेलेवेंट सेंसेशंस टू बी प्रोसेस्ड एंड टर्न इनटू परसेप्शन. देखिए हमारे इर्द-गिर्द हर क्षण हमको कोई ना कोई सेंसेशन मिल रहा है, लेकिन ये परसेप्शन हमको बताएगा कि कौन से सेंसेशन पे हमको काम करके उसको अर्थ देना है. अगर हम हर छोटी छोटे सेंसेशंस पे अगर हम परसीव करने लगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए परसेप्शन हमको बताता है कि कौन सा राइट सेंसेशन है जिसको कि आपको मीनिंग देनी है.
फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन पे पहले भी बात हो चुकी है आपसे, मतलब संप्रत्यय निर्माण, या आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट तब इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है जब वो उसके अंदर कंसेप्ट्स का निर्माण हो गया है। और कंसेप्ट क्या होता है? इट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत बौद्धिक विकास का ही दूसरा पक्ष है। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग एंड इज द रीऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ ए परसेप्शन, यानी कि सेंसेशन को आपने परसेप्शन दिया, परसीव किया, उसको अर्थ दिया, और उसी का जब हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है तो वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या? कॉन्सेप्ट्स आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, यानी हम अपने अनुभवों से कॉन्सेप्ट्स का निर्माण होता है। चिल्ड्रंस फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्क्रीट, हमको पता है कि कंसेप्शन कैसे होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि पहले हम उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट बना पाते हैं, उन वस्तुओं के जो हमको मूर्त रूप में दिखती हैं, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के तहत एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के भी हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी एक्वायर मोर एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, यही निकल गया, पहले हम कॉन्क्रीट एस्पेक्ट फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट। तो कहा जा सकता है कि कब आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो गए, जब आप एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट के आपको कॉन्सेप्ट बनाने आ गए तो आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो गए। जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे हमको पता है स्क्वायर, तो बच्चे के अंदर स्क्वायर उसने देखा है, उसको छोटे से में दिखाया जाता है कि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, तो उसने ये कंसेप्ट उसके अंदर बन गया है दिमाग में कि हर वो वस्तु जिसके चार भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं बराबर होंगी वो स्क्वायर होगा। तो ये कॉन्क्रीट है। जैसे जैसे आप ईश्वर का भी एक कंसेप्ट है, पूजा अर्चना आध्यात्म, ये भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो ये लेटर डेवलप्ड होते हैं। मतलब जब आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो जाएंगे तब आपके अंदर ये क्षमता आएगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट का भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर सकें। ओके, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। अगर आप भाषा का विकास मूलभूत आवश्यकता है बौद्धिक रूप से विकसित होने की, लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि जो भाषा का विकास है उसी से हमारे मस्तिष्क का या मानसिक विकास होता है। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ज्या पियाजे डेवलप्स बिटवीन 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। तो ज्या पियाजे ने, आपको पता है, याद होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उन्होंने चार अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो इन्होंने 2 to 7 वाली है उसमें इन्होंने कहा कि भाषा का विकास होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड्स कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। देखिए, जो बुद्धिमान होता है उसकी भाषा भी अच्छी होती है, या जो बहुत अच्छा भाषण देता है हम कहते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। फ्रॉम 18 months to 5 ईयर्स ऑफ एज अ चाइल्ड्स वोकैब क्विकली एक्सपेंड्स अबाउट 50 words to several thousand वर्ड्स, यानी कि जब 1.5 साल का बच्चा होता है से लेके 5 साल तक का जब बच्चा होता है तो 50 शब्द से लेके कई हजार शब्द उसकी वोकैब में आ जाते हैं। चिल्ड्रन कैन बिगिन टू नेम एंड टू एक्टिवली आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। बाई द टाइम द चाइल्ड इज 2 years ही बिगिन्स टू पुट वर्ड्स टुगेदर इन शॉर्ट फ्रेजेस प्रोग्रेसिंग टू सिंपल सेंटेंसेज। मतलब अब जैसे जैसे भाषा का विकास होगा, जैसे जैसे जो कि बौद्धिक विकास की का ही एक पक्ष है, वो सिंपल सेंटेंसेज भी फॉर्म करने लगेगा। ठीक है, फिर आपका हुआ मेमोरी डेवलपमेंट, यानी कि स्मृति का विकास। मेमोरी इज द स्टोर हाउस ऑफ अवर अर्लियर एक्सपीरियंस, जो जो हमने पहले अनुभव कर लिया है वही हमारे ब्रेन में एक स्टोर हाउस की तरह स्मृति का रूप ले लेती है। ब्रेन सेल्स मेमोराइज एक्सपीरियंसेस, जो हमारे नर्व, जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, वो अनुभवों की स्मृति बना के रखती हैं। ब्रेन सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। हरलॉक एंड शॉर्ट्स एनालाइज दैट मेमोरी इंप्रेशन इन द फर्स्ट 6 months। उन्होंने ये निकाला कि जो पहले 6 month में हम होते हैं उनकी भी मेमोरी के इंप्रेशन हमारे ब्रेन में होते हैं। ट्रू रिमेम्बरेंस बिगिंस बाई द फर्स्ट ईयर, पहले साल से हम चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग फॉर पर्सन एंड ऑब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट 2 years, पहले 2 सालों में हमारी स्मृति तेज होने लगती है। द चाइल्ड रिकाउंट्स अ स्टोरी बाई 3 years, एक बच्चा 3 वर्ष तक का बच्चा एक याद की हुई स्टोरी को सुना सकता है। तो ये रोट मेमोरी होती है आपकी, रोट मेमोरी स्ट्रॉन्ग अप टू अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में नहीं, जैसे रोट मेमोरी पहाड़ा याद कराया जाता है, टेबल याद कराए जाते हैं, कहाँ रीडिंग्स याद कराई जाती हैं, एसेज याद कराए जाते हैं, तो एकदम रोट मेमोरी रट लेते हैं हम उसको, तो अर्ली चाइल्डहुड में ये तेज होता है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं तो हम लॉजिकल मेमोरी में आते जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, अब आप बड़े हो गए हो, रट के मत याद करो, समझ के याद करो, है ना। तो रोट मेमोरी से लॉजिकल मेमोरी की तरफ आप जाएंगे तो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हो जाएंगे। तो मेमोरी का इन्होंने कहा कई प्रकार हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी जिसको कहते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये मेमोरी का डेवलपमेंट हो गया। फिर आपका क्रिएटिविटी, अगर हम क्रिएटिव हैं इसका मतलब हम इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हैं, और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को नई तरीके से बना सकते हैं, नई तरीके से सोच सकते हैं, अनयूजुअल यूजेस, ऐसा यूज़ बता सकते हैं किसी कंसेप्ट का, किसी कंस्ट्रक्ट का, किसी वस्तु का जिसका पहले नहीं बताया गया हो, तो हम क्रिएटिव हैं। उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने अभी आपसे डेवलप किया था कि समस्या के समाधान का कौशल, हम इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हैं ये इस बात से पता चलेगा कि हम समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं या नहीं। और पॉजिटिव थिंकिंग इज ए मेंटल एटीट्यूड, ये एक हमारा माइंडसेट है
कि हम बचपन में जैसे हमको हर चीज़ से डर लगता है कि एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, ये बात पता चल जाएगी तो क्या होगा, इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होते जाते हैं, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर आ जाता है, या आप कहें कि आना चाहिए, या आप कहें कि आ जाए तो कहा जाएगा कि आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हैं। तो ये इतने आस्पेक्ट्स हैं आपके, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, इंटेलिजेंस फ्रॉम सेंसेशन टू परसेप्शन, कंसेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इतना अगर लर्नर में आ गया, स्टूडेंट में आ गया, तो आप कहेंगे कि वो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप इन डिटेल उसके स्टेजेस पढ़ना चाहते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पहले भी बहुत बात हुई है, बट इन ए होलिस्टिक मैनर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मैंने अभी कवर नहीं किया था। सो इट इज़ द लास्ट वीडियो और टॉपिक ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। So I have completed this one too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my